दोस्तों आज हम इस इमरजेंसी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब को बनाना सीखेंगे। और दोस्तों इस एलईडी बल्ब का लाइट काफी ब्राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस एलईडी बल्ब को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना खराब एलईडी बल्ब। उसके बाद एलईडी बल्ब के अंदर से हम सारे कंपोनेंट्स निकाल देंगे। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद ये दो तार का टुकड़ा हम एलईडी बल्ब के पीछे की तरफ जो दो कनेक्टर है ये दो कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा इस इन्वर्टर सर्किट को। और दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे इस इन्वर्टर सर्किट को हम एक पुराने ट्यूबलाइट के चोक से बना सकते हैं। और दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम ये दो तार में से कोई भी एक तार कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल और ऐसा एक कनेक्टर। उसके बाद इस कनेक्टर के इस पिन को हम चार्जिंग मॉड्यूल के इस पिन के साथ और इस कनेक्टर के इस पिन को हम चार्जिंग मॉड्यूल के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 3.7 वोल्ट 500 mAh बैटरी। उसके बाद इस बैटरी का पॉजिटिव तार हम इस मॉड्यूल के B+ पिन के साथ और इस बैटरी का नेगेटिव तार हम इस मॉड्यूल के B- पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम ये जो दूसरा तार है इस तार को मॉड्यूल के Out+ पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस मॉड्यूल के Out- और B- पिन के साथ एक साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम ये सारे कंपोनेंट्स एलईडी बल्ब के बॉडी के अंदर ऐसे लगा देंगे और इस अल्फा डीओडी सर्किट को हम हीट सिंक प्लेट के ऊपर ऐसे लगा देंगे। उसके बाद एलईडी बल्ब के बॉडी के किसी भी एक साइड में हम ऐसा एक छोटा सा होल कर देंगे। उसके बाद इस होल में हम इस सॉकेट को ऐसे लगा देंगे। अब हम एलईडी बल्ब के पीछे की तरफ ये जो दो कनेक्टर है ये दो कनेक्टर में से किसी भी एक कनेक्टर के साथ एक मोटा तार का टुकड़ा ऐसे सोडा कर देंगे। और दोस्तों देखिए इस दूसरा कनेक्टर और इस मोटा तार के बीच में हमें थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि दोस्तों जब हम इसे प्रेस करेंगे तब ये दो कनेक्टर एक साथ कनेक्ट हो जाएगा और लाइट जलने लगेगा। और दोस्तों जैसे ही हम छोड़ देंगे ये दो कनेक्टर फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और लाइट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये एलईडी बल्ब तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।